हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग बिसोन 11 ऐप में केवाईसी कंप्लीट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टेट में बिसोन 11 ऐप रिस्ट्रिक है, जैसे कि आसाम, तेलंगाना, कर्नाटका, कुछ इस तरह का स्टेट है उसमें बिसोन 11 ऐप चलता नहीं है, और उसमें केवाईसी ऐड करने जाता है तो तब भी केवाईसी ऐड नहीं होते, मतलब उसमें रिजेक्ट कर देता है। तो अभी आप लोग प्रॉब्लम को कैसे सोल्यूशन करेंगे, तो इससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरा चैनल को और घंटी भी दबा दो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको करना है क्या है, मेरा डिस्क्रिप्शन में जाना है, बिसोन 11 ऐप का लिंक मिलेगा, आप लोग जाके बिसोन 11 ऐप को डाउनलोड कर लेना और रजिस्टर कंप्लीट कर लेना है। जैसे आप लोग रजिस्टर कंप्लीट कर लेंगे तो कुछ इस तरह का ओपन करने के बाद दिखाएगा। उसके बाद गाइस देख सकते हैं, जैसे कि इधर फंटास्टिक क्रिकेट गेम वगैरह आपको इधर खेलने को मिलता है, और भी जैसे फुटबॉल मिलेगा और बास्केटबॉल, इस तरह का आप मतलब स्पोर्ट जो कॉन्टेस्ट है ना वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो केवाईसी करने के लिए मोर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद गाइस इस तरह का आएगा। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, वेरीफाई अकाउंट के ऊपर आपको क्लिक करना है। वेरीफाई अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, इधर आपका मोबाइल नंबर शो करे, सॉरी आधार कार्ड वेरीफाई करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है आपका इधर पैन कार्ड वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपको बैंक डिटेल्स वेरीफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जैसे कि आधार कार्ड के ऊपर जैसे क्लिक करूंगा फर्स्ट टाइम, तो इधर दो ऑप्शन मिलेगा, तो फास्ट वाला सिलेक्ट करना है, जो जैसे कि फास्ट वाला में इंस्टेंट वेरीफाई वाला ऑप्शन है वो आप लोग को सिलेक्ट करना है। अगर आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप सेकेंड वाला ऑप्शन को चूज़ कर सकते। तो फर्स्ट वाला में सिलेक्ट किया, फर्स्ट वाला सिलेक्ट करने के बाद इस तरह का लोडिंग ले रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग, जैसे लोडिंग ले रहा है गाइस। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरह का करना है, जैसे कि इस तरह का एक आपको पेज में लेके आएगा। उसके बाद आपको इधर आधार नंबर देना है और इधर आपको रिकैप्चर डालना है। तो ये सब करने के बाद आपको वेरीफाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। तो फटाफट मैं डिटेल्स डाल देता हूँ, जैसे मैं डिटेल्स डाल दिया और कैप्चा भी डाल दिया, उसके बाद मैं क्या करूँगा, वेरीफाई के ऊपर सिंपली क्लिक करूँगा। जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा गाइस, तो मेरा जो आधार नंबर है ना उसके साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उसमें एक OTP आएगा, उस OTP को इधर एंटर करना पड़ेगा। तो वेट करते हैं OTP आने तक। आप लोग गाइस वीडियो को एक बार शेयर कर दो, क्योंकि बहुत लोगों ने कमेंट भी किया कि उसका जो बिसोन 11 ऐप है ना उसमें KYC कंप्लीट नहीं हो रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसे मैं OTP डाल दिया, डालने के बाद यहाँ देख सकते हैं, उसके बाद मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया। जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे को एक पिन सेट करने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं यहाँ कोई भी एक पिन दे देता हूँ, आप लोग भी कोई भी एक पिन दे देना, तो मैं लिख देता हूँ, चलो पिन लगा देता हूँ यहाँ पे, 6 डिजिट का पिन देना पड़ेगा। तो आप यहाँ देखिए रॉन्ग बता रहे, तो मैं 6 डिजिट का पिन दे देता हूँ। देने के बाद आपको क्या करना है, सेट सॉरी कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का अलाउ मांगेगा, तो परमिशन मांगेगा, आपको यहाँ से अलाउ कर देना है। तो ये क्या होगा कि अलाउ हो जाएगा, आपका जो आधार कार्ड है ना उसमें वेरीफाई हो जाएगा। तो जैसे मैं अलाउ किया तो इस तरह का कुछ लोडिंग लेके मेरे को रिडायरेक्ट कर दिया वो KYC वेरीफाई जो पेज है ना उसमें। तो मैं एक बार इसको रिफ्रेश करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि वेरीफाई हुआ नहीं, देख सकते गाइस रिफ्रेश करने के बाद मेरा जो KYC है वेरीफाई हो गया आधार कार्ड वाला। तो अभी सेकंड में है मेरा पैन कार्ड, जो पैन कार्ड है ना पैन कार्ड वेरीफाई करना पड़ेगा। तो सिंपली इस वेरीफाई के ऊपर मैं क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जैसे कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। फर्स्ट में है आपका पैन कार्ड का फ़ोटो, सिंपली आपको यहाँ क्लिक करके आपको पैन कार्ड का फ़ोटो देना पड़ेगा। उसके बाद इधर PDF मांग रहे हैं, आप PDF या आप गैलरी से कैमरा से उठा के भी दे सकते हैं आपका मोबाइल से। उसके बाद आपको इधर पैन नंबर देना है नीचे, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आप लोग को, इधर आपको पैन नंबर देना है, सॉरी पैन नंबर देने के बाद इधर आपको डिटेल्स देना है, मोबाइल सॉरी पैन कार्ड नंबर देना है और नाम देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है। देने के बाद आपको सबमिट कर देना है, सबमिट फॉर वेरीफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं डिटेल्स सारी की सारी दे देता हूँ इधर, जैसे कि फर्स्ट में है पैन कार्ड फ़ोटो, इसके ऊपर क्लिक करके मैं पैन कार्ड का फ़ोटो दे देता हूँ। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ पैन कार्ड का फ़ोटो, कहाँ गया भाई, आ जा। तो ये पैन कार्ड का फ़ोटो दे दिया इधर, देख सकते हैं आप लोग, जैसे मैं पैन कार्ड का फ़ोटो दिया इस तरह का लोडिंग ले रहे हैं, पैन कार्ड का फ़ोटो दे दिया देख सकते हैं। पैन कार्ड का फ़ोटो देने के बाद आपको इधर नीचे इस तरह का फ़ोटो शो करेगा, उसके बाद आपको इधर पैन कार्ड का वो देना है, मतलब नाम देना है, तो मैं नाम दे देता हूँ, नाम दे दिया। उसके बाद पैन कार्ड का नंबर देना है आपको, तो यहाँ मैं पैन कार्ड का नंबर भी दे देता हूँ। तो
सॉरी पैन कार्ड का नंबर दिया अभी। पैन कार्ड का नंबर देने के बाद आपको इस तरह का सारी डिटेल्स दे देना है। देने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट फॉर वेरिफिकेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है। करेक्ट डिटेल्स देना पड़ेगा तभी आपका जो KYC है वो कंप्लीट होगा। उसके बाद देख सकते हैं अंडर रिव्यू में गया। अभी जैसे ये अंडर रिव्यू में गया तो मैं अभी बैक करता हूँ, यहाँ से बैक करके आपको अगेन रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि ये वेरीफाई हुआ या नहीं। तो जैसे बैक किया तो देख सकते हैं पैन कार्ड भी वेरीफाई हो गया। और मैं भी असम से बिलोंग करता हूँ, आप लोग को पता है, और आप लोग कहाँ से वो मेरे को कमेंट करके बताना। तो जैसे कि नेक्स्ट है थर्ड वाला है वो वेरीफाई बैंक। सिंपली बैंक वाला में ही लोगों को प्रॉब्लम आता है, मतलब रिजेक्ट करता है। सिंपली आपको यह करना है, अपलोड बैंक अकाउंट डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपका बैंक अकाउंट का पासबुक देना है। इधर जो आपका पासबुक है ना, जिसमें अकाउंट नंबर नाम वगैरह क्लियर शो करता है, दिखाता है, उसमें आपको पासबुक का फ्रंट पेज आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको पासबुक अपलोड करने के बाद इधर आपको नाम देना है आपका। नाम देने के बाद आपको इधर अकाउंट नंबर देना है, जो भी आपका बैंक डिटेल्स अकाउंट नंबर है ना वो आपको इधर एंटर करना है। मतलब इधर जो बैंक डिटेल्स का डिटेल्स मांग रहे हैं ना, सारी की सारी डिटेल्स आपको इधर दे देना है। देने के बाद ही मतलब ये वेरीफाई होगा, नहीं तो अगर आपने रॉन्ग दे दिया इधर डिटेल्स तो आपका ये वेरीफाई नहीं होगा। तो मैं यह क्या किया, पासबुक दिया, बैंक अकाउंट दिया, IFSC कोड दिया, ब्रांच नेम, सब कुछ, मतलब जो जो मांग रहा है मैं सारी की सारी डिटेल्स यहाँ दे रहा हूँ। तो आप लोग भी पूरा स्टेप बाय स्टेप दे देना, IFSC कोड सब कुछ, मतलब आप लोग देख देख के यह डिटेल्स दे देना। देने के बाद गाइस देख सकते हैं इधर मैं पासबुक को दिया और मेरा जो नाम है, नाम, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड और बैंक नेम, मतलब कौन सा बैंक, जैसे कि मेरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख दिया। तो इस तरह का मतलब आपको भी एक बार कंफर्म होना है कि सही है डिटेल्स है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते हैं जल्दी जल्दी करके मिस्टेक कर देता है, क्योंकि मैं ब्लार करके रखा हूँ। जैसे ये सारी की सारी डिटेल्स दे देंगे, देने के बाद आपको क्या करना है, नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट फॉर वेरीफिकेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे गाइस देख सकते हैं ये भी अंडर रिव्यू में चला गया। जैसे गाइस आप लोग बैंक डिटेल्स दे देंगे, सबमिट कर देंगे, उसके बाद गाइस कुछ आपको वेट करना है, जैसे कि एक दिन या मतलब ज़्यादा नहीं लगता है, 24 आवर्स समय लगता है, तब मतलब वेरिफिकेशन कम्प्लीट होता है। जैसे कि इधर मेरा 4 वेरिफिकेशन कम्प्लीट हुआ और अभी ये अंडर रिव्यू दिखा रहे हैं। तो वेट करते हैं कुछ दिन, क्योंकि ये लगभग 24 आवर या कभी कभी 5 दिन 10 दिन लग जाता है अप्रूव होने में, क्योंकि ये बैंक रिव्यू करता है। तो वेट करते कुछ दिन और आप लोग को आगे जो वेरिफिकेशन होता है या नहीं वो भी आप लोग को दिखाऊंगा। और ये सही तरीका क्या है, इसलिए मैं आप लोग को दिखाया कि BCO911 में आप लोग सही तरीके से KYC कैसे ऐड कर सकते हैं। तो कुछ दिन वेट करना पड़ेगा, तो जैसे मेरा जो बैंक डिटेल्स है ना वो सक्सेस हो जाएगा, मतलब अप्रूव हो जाएगा KYC, उसके बाद मैं आगे का वीडियो जो है मैं आप लोग को लास्ट में दिखा दूंगा। तो प्लीज़ यार आप लोग सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं इसी तरह का सोल्यूशन वीडियो लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। तो आगे देखते हैं। तो गाइस देख सकते हैं मैं बहुत दिन बाद वीडियो बनाया, लगभग 2 दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो 2 दिन बाद मैं जैसे ओपन किया और वेरीफाई अकाउंट के ऊपर अगेन क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देख सकते हैं मेरा जो पास हो मतलब अप्रूव हो गया, मतलब KYC सक्सेसफुली डन यहाँ से हो गया। देख सकते हैं मोबाइल नंबर और आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, सब मतलब वेरीफाई हो गया। तो इसी तरह का मतलब आप लोग KYC कंप्लीट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, साथ में एक बेल आइकन आएगा उसको भी दबा दो, क्योंकि मैं इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद।